में मैंने हल्ला मचा दिया, मैंने कि मेरा फिर भी सर्फ ने काट लिया। पर वहीं ते कहते हो अगर पापा मैं बताते आ मैं पापा मैं यहाँ का उन्हें काट खाए हूँ कि हाँ पापा मुझे चक्कर से आ रहे हैं। वो इतने में ही तो उसने एक उंटी कर दी है। अच्छा हाँ उंटी आ गई है उसके लिए। टॉयलेट आ गया उसी समय तो चले गए अंदर टॉयलेट करने के लिए। तो उसी उस साइड झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियों में ही जो भी हुआ उसी में उनको डस लिया। तो गांव वाले रापड़े इसको कहीं यहाँ बंद मारा कहीं यहाँ मारा तो आपने यहाँ काटा घोंटू से नीचे। बेहद दुख के साथ ये रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ रही है। मैं जिस घर के दरवाजे पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ उस घर के दरवाजे पर आज गम का माहौल है। इसमें तीन दिन पहले खुशी की शहनाई बज रही थी, तमाम रिश्तेदार मेहमान इकट्ठा हो चुके थे। जो दूल्हा है वो अपने दुल्हन लाने के लिए तैयार हो रहा था, उसी दौरान अचानक इस घर में मातम पसर गया। मैं इस वक्त बुलंदशहर की कस्बा डिबाई क्षेत्र के गांव करबास में मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ कि दो दिन पहले इस घर से बारात निकलनी थी। जिस दूल्हे की बारात निकलनी थी वो दूल्हा यहाँ पर तैयारी कर रहा था, तैयार हो रहा था। बहनोई तैयार करने में लगे हुए थे, बहन तैयार करने में लगी हुई थी। जो बहनें हैं वो तमाम जो बहनें हैं भाभी हैं वो सब तैयारियाँ कर रही थी यहाँ पर और तमाम रिश्तेदार इकट्ठा थे। मगर होनी को कुछ और मंजूर था। एक सांप ने उसे डस लिया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मैं परिजनों से पूछूंगा कि क्या किस तरह से आप बहनोई हैं उनके जी। क्या नाम था उनका? प्रवेश कुमार। हाँ कैसे ये सब हो गया थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली उस दिन सबसे पहले मॉर्निंग में हम लोग उसको रेडी किए, हमने चलो सेट मतलब कटिंग सेविंग करवा लो चल गए। हम थोड़ा बाजार में शॉपिंग करनी थी तो हमारे साथ गए। तो हम लोग मैं छोटे वाले इनके भाई खुशहाल और इनके सिस्टर हम लोग तीन लोग चार लोग बाजार गए। तो इनको हमने तुम कटिंग करा लो अपनी सेटिंग सेविंग वगैरह करा लो तब तक हम मार्केट करके आ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सादा सामान वगैरह लेना था तो हम लेट हो गए। तो फिर इनकी कटिंग हो गए तो मैंने कहा अब तुम घर निकल जाओ। तो किसी लड़के मतलब बुलाया किसी को भाई आई को तो वो इनको बुलाया घर छोड़ दिया। तो हमें क्या करना था, हम सामान लेके गाड़ी की फिर मुझे गाड़ी भी डेकोरेट करानी थी तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। मैं अब डेकोरेट करा के ही गाड़ी आ गए, फाइनल घर पर आते हैं दोबारा चक्कर राउंड मारने पड़ेंगे। तो फिर हम करा के 7 बज गए मुझे एक्चुअली आने में। यहाँ 7 बज गए तो एक्चुअली टाइम झुझका थोड़ा लाइट गांव में थी नहीं तो मैंने लेट हो रहे हैं, 8 बजे बारात भी निकलनी है तो हम लोग जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ सब लोग। तो मैं जैसे ही आया बाथरूम में घुसा तब प्रवेश आ गया। तब तक तो मैंने बेटा आप तैयार हो, मैंने आपने नहा लिया कि? बोले हाँ मैंने नहा लिया। तो मैंने चलो मैं 10 मिनट में पानी डाल के कपड़े पहने अभी मैं भी आ रहा हूँ फटाफट कि हमने बारात 8 बजे निकल जाएगी तब भी 8:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, कोई देरी नहीं होगी। बारात पास में ही जानी थी? हाँ डिबाई में ही जानी थी। अच्छा। ये पास में ही वो है मैरिज होम है वहाँ जानी थी। अच्छा। रामनगर पे तो वो इधर आ गया तब तक उसकी मतलब 9 ने उनको अपने जो भी था सेंडो और निककर उनको दे दिया कि आप जब तक ये बदल लो। तो उन्होंने बदल लिया वो, तब तक मैं अपना रेडी हो रहा था, मैंने भी पेंट पहन लिया था। तो इनको निककर बदलने के बाद इनको टॉयलेट आ गया उसी समय तो चले गए अंदर टॉयलेट करने के लिए। तो उसी उस साइड झाड़ियाँ हैं तो झाड़ियों में ही जो भी हुआ उसी में उनको डस लिया सांप ने का कुछ भी हुआ भगवान जाने। तो फिर आने के बाद फिर पापा जी से कुछ बोले हैं। क्या कहा था बाबूजी आपसे? पापा जी से बोला था कि पापा मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है। मैंने कि बेटा क्या काटा है तू? क्या इस पापा इस पैर में काटा हूँ। मैंने कि फिर भी मैंने टॉर्च जरा करके देखा उसके पैर में तो कोई निशान नहीं आया है। हाँ। कोई निशान मैंने कि फिर भी यार कोई निशान तो है नहीं यार पैर में। तो फिर उसने मैंने पूछा उससे प्रवेश तेरे लिए और कुछ मालूम पड़ रहा है कि? हाँ पापा मुझे चक्कर से आ रहे हैं। वो इतने में ही तो उसने एक उंटी कर दी है। अच्छा हाँ उंटी आ गई है उसके लिए। इतने में मैंने हल्ला मचा दिया, मैंने कि मेरा प्रवेश सर्प ने काट लिया। तो गांव वाले रापड़े इसको कहीं यहाँ बंद मारा कहीं यहाँ मारा तो आपने यहाँ काटा घोंटू से नीचे। मगर बंद हम यहाँ तक लगा नहीं पाए। मेरा छोटा बीच का लड़का आया उसे गोद में भर के मैंने कि रुको भाई इसको घी और काली मिर्च और पिला दो
उसको पिला नहीं पाए, उसके लिए गोद में भर के गाड़ी में ले गए। कहाँ दिखाया था? फिर उसके लिए गाड़ी में, यहाँ कोई कह रहा था अलीगढ़ ले जाओ, कोई कह रहा था गोसमी ले जाओ, कोई कह रहा था कन्या ले जाओ। गोसमी में उसकी मामा है तो मामा पे फोन किया था, अगर तुम यहाँ ले आओ मेरे पास, मैं यहाँ सही करवा दूंगा। तो गई गोसमी को ले गई, 12-13 मिनट में यहाँ से गाड़ी गोसमी पहुँच गई। गोसमी पहुँच करके उसका वहाँ ट्रीटमेंट किया, वहाँ कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा ही करीब में वहाँ टाइम इसका व्यतीत हुआ। बातचीत कर रहा था जब प्रवेश? हाँ, बातचीत कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे फिर कोई इलाज नहीं हुआ, तो हमारे ये बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब यहाँ से इसे उठाओ। उसको उठा करके जो है फिर गए अलीगढ़ की कह के वहाँ से के अलीगढ़ ले जाना। अब अलीगढ़ के कह के लाए थे वहाँ से, फिर जो है कि मुरादपुर को फिर ले गए। अच्छा। हाँ, मुरादपुर की कहानी इनको, मुरादपुर रास्ते में ही ऐसे हम लोग वहाँ से इनको गाड़ी में बैठाने से पहले ना, तो और 4-5 लोग साथ में वहाँ खड़े, तो बोले ऐसा करो अलीगढ़ 10 मिनट एक गांव पड़ता है मुरादपुर रास्ते में, 10 मिनट उनको दिखा लो और एक दवा देते हैं, अगर उन्हें दवा निगल ली तो वो 1-1.5 घंटे में सही हो जाएंगे। अच्छा। तो मेरा पूरा मूड था मैं सीधे इनको मेडिकल लेके जाऊँ, तो 4-5 लोगों ने एडवाइस किया कि नहीं नहीं 10 मिनट रुक जाओ, रास्ते में पड़ता है, आप दिखा लो फिर साहब सीधे अलीगढ़ ले जाना। तो मैंने सबकी सुनी, मैं चलो ठीक है 10 मिनट कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो फिर मैं वहाँ से सीधे निकल के मुरादपुर उनके पास वैद्य जी के पास ले गया। अच्छा। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि हाँ इसको काले नाग ने डस रखा है। उन्होंने दांत भी दिखाए, हम लोगों को पहले नहीं पता था कहाँ पर काटा इसको। अच्छा। उन्होंने दिखाया बेटा यहाँ काटा देखो। तो प्रवेश को पता नहीं चल पाया था कि काट लिया है? पता नहीं लगा कहाँ पे काटा है। हाँ, उसको नहीं पता था एक्चुअली कहाँ काटा है। वो जो बता रहा था उसको पैर में बता रहा था पापा जी को, लेकिन पैर में तो कुछ था ही नहीं, काटा उसको घुटने के नीचे था। तो उन्होंने अपना जो भी इलाज किया, करते रहे, कोशिश करी उन्होंने भी, बट फाइनली वो भी फेल हो गए। तो लास्ट मोमेंट कहते भैया मेरे बस की बात नहीं है, आप अलीगढ़ ले, जहाँ भी ले जाना आप ले जाओ। तो फिर हमने जल्दी फल्दी एकदम उनको उठाया, फिर सीधे अलीगढ़ मेडिकल में ले गए। मतलब वहाँ भी जाना 40-45 मिनट लग गए हम लोगों को जाने में। तो हार्डली वहाँ जैसे इमरजेंसी में एंट्री की तो तुरंत उन्होंने ईसीजी करवा, ईसीजी वगैरह किया था, ईसीजी में लॉन्ग पल्स हो रही थी उनकी काफ़ी। तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि नहीं अब तो ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है, इसको या तो रेफ़र कर दो कहीं या फिर बोल दो इनको घर ले जाएं। तो विद इन 2 मिनट में फिर वो उन्होंने लास्ट सांस वहाँ ले ली। मगर सबसे पहले आप लोग उन्हें दिखाए जो सांप का इलाज करते रहते हैं, डॉक्टर के नहीं लेके जा पाए ना? हाँ, वही तो। ये सीधे वहाँ मामा जी ने फ़ोन किया तो मामा जी करते हैं ये लोग, ये काम करते हैं, तो उन्हें बुलाया आप आ जाओ यहाँ, सब कुछ टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। तो इस विश्वास पे वहाँ लेके चले गए। बट 2 घंटे कोई टाल नहीं सकता, अपनी सी करनी हर संभव कोशिश इन्होंने की। जहाँ इन्होंने बताया, जहाँ जिस तरह से कह रहा था वहाँ लेकर भाग रहे थे, मेडिकल में भी लेकर पहुँचे अलीगढ़ में, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। माँ कहाँ है? माँ से बात हो जाएंगी हमारी? माँ क्या बात हुई बेटे से जिस दिन दूल्हा बन के जा रहा था, कुछ ये बात ही मैंने वहाँ खड़ा तक गया हो कर वो बोली के उनते वो नाव होते कहाँ के कच्चा बना पहन लेता कि हाँ पहन लेता है कि थोड़ा मैं पेशाब कर आऊँ कि हाँ कर आता है तो कर आओ। तो बोला कि कर भी चलोगे तो फिर आ के उठते आया हुआ ना पानी भी पियो है तब पता नहीं जन पानी पियो है देखा तो फिर मगर पता नहीं है जन पानी पियो है जन ना पियो मगर डाल तो देखो पानी मुँह में पर वहीं ते कहते रहो अगर पापा में बताते आ मैं पापा में यहाँ का उन्हें काट खाई हूँ। वो जगह मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पर प्रवेश को काटा गया था, थोड़ा साइड हो जाना भैया। ये वो जगह है प्रवेश का जो मकान है, वो दुमुहा मकान है, सामने से रास्ता है गांव के अंदर, और ये रास्ता जो ये खोला हुआ है अपना गेट, ये जंगल की ओर है। यहाँ से तमाम जंगल यहाँ से दिखाई देता है प्रवेश के घर से। प्रवेश यहाँ से उतर के दूर यहाँ से थोड़ा सा वहाँ चला जाता है झाड़ी में, क्योंकि घर के अंदर महिलाएं बहुत सारी इकट्ठा हो रही थी, घर के अंदर भीड़भाड़ का माहौल था, तो यहाँ करीब ना बैठकर वो वहाँ जाके जो है टॉयलेट करता है और उसी दौरान वहाँ उसको सर्पदंश जो है मार देता है। और प्रवेश को ये पता नहीं था कि वो उसे किसी ने काट भी लिया है, मगर जब उसे चक्कर आने शुरू होते हैं, चक्कर आने के बाद में वो घर वालों को बताता है, तब उसे लेकर भागदौड़ करते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि जिस दिन बारात जा रही थी, जिस वक्त बारात जा रही थी, दूल्हे बनने की पूरी तैयारी हो चुकी थी,
नेकर और बनियान वो पहन चुका, अंडरवियर वगैरह सब पहन चुका था, सिर्फ क्या बना रखा था जोड़े में, कोट था, शेरवानी, कोट, कोट पैंट, कोट पैंट थे, कोट पैंट पहनने बाकी रह गए थे। और बाकी बारात निकल गई थी वहाँ के लिए? नहीं नहीं, वो भी सब लोग रेडी, सब लोग साथ साथ निकल, कुछ लोग रिलेटिव थे पहुँच गए डायरेक्ट वहाँ। अच्छा, कुछ लोग पहुँच, मैरिज होम में पहुँच चुके थे। तो इस तरह से परवेज की मौत हुई और इस घर में आज भी मातम का माहौल है।